नमस्ते मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्सचर हम लोग मिक्सचर के अंतर्गत बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे और उस कंसेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंतर्गत सीखेंगे ताकि हमें कंसेप्ट लंबा समय तक याद रहे चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेलाइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का टू फाइव है इसमें पंद्रह लीटर पानी मिलाया गया तो यह अनुपात थ्री टू सेवन हो जाता है तो दूध की मात्रा ज्ञात करें देखिए हमें मिक्सचर दिया हुआ है हमें मिक्सचर दिया हुआ है मिक्सचर दिया हुआ है क्या चीज का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का हमें रेशियो कितना दिया हुआ है हमें रेशियो दिया हुआ है कि थ्री इंस टू फाइव का रेशियो में मिक्सचर है जब इसमें हमने पंद्रह लीटर पानी मिलाया जब हम इसमें पंद्रह लीटर हमने पानी मिलाया तो ये रेशियो कैसा हो गया थ्री टू सेवन जब हमने इसमें पंद्रह लीटर पानी मिलाया तो हमारा रेशियो क्या हो गया थ्री टू सेवन हो गया हम ये मानेंगे कि मिक्सचर के अंदर पहले अगर तीन यूनिट दूध था तो पाँच यूनिट क्या था पानी था हमने क्या मिलाया हमने इस मिक्सचर के अंदर पानी मिलाया तो दूध का जो मात्रा होगा मिक्सचर में उतना ही दूध का मात्रा होगा किसमें वृद्धि होगा पानी के मात्रा में वृद्धि होगा क्योंकि हमने मिक्सचर में क्या मिलाया पानी मिलाया है हम ये मान सकते हैं कि पहले अगर दूध तीन यूनिट था मिक्सचर के अंदर तो पानी कितना था पांच यूनिट अब जो है मिक्सचर के अंदर तीन यूनिट ही दूध है तो पानी कितना है सात यूनिट है यानी पानी कितना यूनिट बढ़ा पानी जो है दो यूनिट से बढ़ गया पानी दो यूनिट से बढ़ गया लेकिन हमें क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि पानी को हम दो यूनिट से नहीं हम पंद्रह लीटर से बढ़ा रहे हैं यानी पंद्रह लीटर किसके बराबर है दो यूनिट किसके बराबर है दो यूनिट पंद्रह लीटर के बराबर है दो यूनिट किसके बराबर है पंद्रह लीटर के बराबर है तो यहां से हमारा दूध का मात्रा निकल के आ जाएगा दूध कितना है दूध जो है तीन यूनिट है दूध कितना है तीन यूनिट है यानी यहां से हमारा एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव हम पंद्रह में दो से भाग देंगे कितना होगा सेवन पॉइंट फाइव यहां से अगर हम तीन यूनिट निकालेंगे तीन यूनिट अगर निकालेंगे तो हम गुना करेंगे यहां सेवन पॉइंट फाइव में तीन से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा पंद्रह के पांच हाथ में एक इक्कीस एक बाईस ये हमारा कितना निकल के आ गया ये निकल के आ गया बाईस पॉइंट फाइव लीटर दूध कितना होगा बाईस पॉइंट फाइव लीटर होगा चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात थ्री टू फाइव है इसमें पंद्रह लीटर पानी मिलाया गया तो यह अनुपात थ्री टू सेवन हो जाता है तो दूध की मात्रा ज्ञात करें हमें एक मिक्सचर दिया हुआ है इस मिक्सचर में क्या है दूध है और पानी है हमारा जो रेशियो दिया हुआ है इस मिक्सचर का थ्री टू सेवन दिया हुआ है और हम इस मिक्सचर में अगर पंद्रह लीटर पानी मिला दे रहे हैं तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है थ्री टू सेवन हो जा रहा है हमने क्या मिलाया मिक्सचर के अंदर पानी मिलाया दूध तो हमारा सेम है तो हम यह मान सकते हैं कि जितना यूनिट अगर पहले दूध होगा उतना ही यूनिट अभी भी दूध होगा यानी मिक्सचर के अंदर अगर तीन यूनिट पहले दूध था तो पानी कितना था पांच यूनिट अब जब हमने पंद्रह लीटर पानी मिलाया इस मिक्सचर के अंदर तो क्या हो गया थ्री टू सेवन यानी अब जो है दूध कितना हो गया तीन यूनिट तो पानी कितना हो गया सेवन यूनिट यानी पहले जितना दूध था अब भी उतना ही दूध है पानी कितना से बढ़ रहा है दो यूनिट से लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमने कितना पानी मिलाया है पंद्रह लीटर यानी यहां से ये यह पता चला कि दो यूनिट किसके बराबर है पंद्रह लीटर के बराबर तो हमारा एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव लीटर हमें क्या निकालना था दूध की मात्रा दूध कितना है तीन यूनिट है यानी यहां से तीन यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हम सेवन पॉइंट फाइव में तीन से गुना करेंगे हमारा कितना निकल के आ जाएगा बाईस पॉइंट फाइव लीटर यानी दूध का मात्रा क्या है बाईस पॉइंट फाइव लीटर है चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात थ्री इज टू सेवन है इसमें ग्यारह लीटर पानी मिलाया तो यह अनुपात वन इज टू थ्री हो जाता है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें हमें क्या निकालना था दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालना है देखिए हमें मिक्सचर क्या दिया हुआ है मिक्सचर दिया हुआ है मिल्क इज टू वाटर हमें मिक्सचर का रेशियो कितना दिया हुआ है थ्री इज टू थ्री इज टू सेवन दिया हुआ है जब इस मिक्सचर में हमने ग्यारह लीटर पानी मिलाया तो हमारा रेशियो कितना हो गया जब हमने इस मिक्सचर में ग्यारह लीटर पानी मिलाया तो हमारा रेशियो कितना हो गया वन इस टू थ्री देखिए हम इस मिक्सचर में क्या कर रहे हैं पानी मिला रहे हैं हम इस मिक्सचर में पानी मिला रहे हैं तो हमारा दूध का मात्रा क्या होगा पहले जितना दूध का मात्रा होगा अब भी उतना ही दूध का मात्रा होना चाहिए देखिए अगर हमने मान लिया कि मिक्सचर में पहले तीन यूनिट दूध था और पानी कितना था सात यूनिट अब कितना हो गया अब जो हो गया जब हम हमने इस मिक्सचर में ग्यारह लीटर पानी मिलाया तो रेशियो कितना हो गया वन इज टू थ्री यानी अब मिक्सचर में एक यूनिट दूध हो गया और पानी कितना हो गया तीन यूनिट देखिए पहले कितना था हमारा दूध तीन यूनिट था तो अब भी हमारा दूध कितना होना चाहिए तीन यूनिट हमें इस एक को तीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस, इस रेशियो में हमें तीन से गुना करना पड़ेगा इस रेशियो में हमें तीन से गुना करना पड़ेगा अब हमारा रेशियो जो निकल के आ जाएगा पहले रेशियो कितना था थ्री इज टू सेवन अब जब ने जब हमने इस रेशियो में तीन से गुणा किया तो ये रेशियो कितना निकल के आ गया थ्री टू नाइन देखिए पहले जितना दूध का मात्रा था अब भी दूध का मात्रा उतना ही है पहले मिक्सचर में सात यूनिट यूनिट पानी था अब मिक्सचर में कितना हो गया नौ यूनिट पानी हो गया यानी पानी का मात्रा कितना बढ़ा दो यूनिट से बढ़ा पानी का मात्रा कितना से बढ़ गया दो यूनिट से लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हम इसमें कितना पानी मिला रहे हैं इगारह लीटर यानी इस दो यूनिट का जो वैल्यू है दो यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ग्यारह लीटर हमें क्या निकालना है हमें जो है दूध की मात्रा निकालना है दो यूनिट का वैल्यू कितना है ग्यारह लीटर है तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइव पॉइंट फाइव लीटर फाइव पॉइंट फाइव लीटर हमें क्या निकालना है हमें दूध की मात्रा निकालना है यानी दूध कितना है तीन यूनिट है यानी तीन यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हम फाइव पॉइंट फाइव में अगर थ्री से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा लीटर हमारा आंसर कितना आ गया लीटर चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात थ्री टू सेवन है इसमें एक गारह लीटर पानी मिलाया तो यह अनुपात वन इज टू थ्री हो जाता है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें हमें क्या निकालना था दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालना था हमें मिक्सचर में मिक्सचर में क्या दिया हुआ है दूध और पानी दिया हुआ है हमें पहले दूध और पानी का रेशियो कितना दिया हुआ था थ्री टू सेवन दिया हुआ था जब हमने इस मिक्सचर में ग्यारह लीटर पानी मिलाया तो हमारा रेशियो कितना हो गया वन इज टू थ्री हो गया देखिए हम मिक्सचर में क्या मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं दूध जितना पहले था उतना उतना अब भी होना चाहिए दूध जितना पहले मिक्सचर में था अब भी उतना ही होना चाहिए क्योंकि हम केवल क्या मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं हमने पानी कितना मिलाया है ग्यारह लीटर देखिए पहले दूध अगर हम ये मान लें कि पहले मिक्सर में तीन यूनिट दूध था सात यूनिट पानी था अब मिक्सर में कितना हो गया एक यूनिट दूध हो गया और तीन यूनिट पानी हो गया तो हमें इस एक को तीन बनाना पड़ेगा क्योंकि दूध दूध जितना पहले था मिक्सचर में अब भी उतना ही है हमें इसे तीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस रेशियो में तीन से गुना करना पड़ेगा अब हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया कि पहले रेशियो थ्री इंस टू सेवन था तो जब हमने ग्यारह लीटर मिक्सर में पानी मिलाया तो हमारा रेशियो कितना हो गया हम इस रेशियो में तीन से गुना करेंगे यानी ये हो गया थ्री इंस टू नाइन तो दूध का मात्रा पहले कितना था तीन यूनिट तो पानी कितना था सात यूनिट जब हमने इसमें ग्यारह लीटर पानी मिलाया तो अब क्या हो गया तीन यूनिट दूध हो गया और नौ यूनिट पानी हो गया पानी की मात्रा में कितना का बड़ी थी हुआ दो यूनिट का लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि हम इसमें कितना पानी मिला रहे हैं ग्यारह लीटर यानी इस दो यूनिट का वैल्यू कितना है ग्यारह लीटर है तो यहां से एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा फाइव पॉइंट फाइव लीटर के बराबर हमें क्या निकालना था प्रारंभिक दूध की मात्रा यानी दूध कितना है तीन यूनिट है यहां से तीन यूनिट यूनिट किसके बराबर हो जाएगा सोलह पॉइंट फाइव लीटर के बराबर हमारा आंसर क्या निकल के आ गया सोलह पॉइंट फाइव लीटर चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कि छियासठ लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात फाइव एस टू सिक्स है इसमें अठारह लीटर पानी मिला दिया जाए तो अब अनुपात क्या होगा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर äh, का मात्रा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर का मात्रा कितना दिया हुआ है छियासठ लीटर और हमें मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है हमारा रेशियो कितना दिया हुआ है फाइव टू सिक्स दिया हुआ है जब हम इसमें इस मिक्सचर के अंदर अट्ठारह लीटर पानी मिला रहे तो हमारा रेशियो कितना होगा हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है देखिए हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है फाइव इज टू सिक्स रेशियो कितना दिया हुआ है फाइव इज टू सिक्स और हमारा मिक्सचर जो है मिक्सचर का टोटल मात्रा कितना है छियासठ लीटर अगर हमने ये मान लिया कि मिक्सचर के अंदर पांच यूनिट दूध है और छः यूनिट पानी है यानी यहां से हमारा टोटल मात्रा कितना हो जाएगा ग्यारह यूनिट लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो टोटल मिक्सचर का मात्रा है वो कितना है 66 लीटर है कितना है 66 लीटर है यानी यहां से यहां से एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 6 लीटर के बराबर एक यूनिट किसके बराबर हो गया 6 लीटर के बराबर यानी यहां से एक यूनिट 6 लीटर के बराबर हो गया तो हमारा 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5 यूनिट जो हो जाएगा 5 यूनिट 30 लीटर के बराबर और हमारा छ यूनिट किसके बराबर हो जाएगा छ यूनिट जो हो जाएगा वो छत्तीस लीटर के बराबर छ यूनिट किसके बराबर हो गया छत्तीस लीटर के बराबर यानी मिश्रण के अंदर तीस लीटर जो है दूध है तो छत्तीस लीटर क्या है पानी है तीस लीटर दूध है तो छत्तीस लीटर क्या है पानी है यानी मिक्सर के अंदर जो है तीस लीटर दूध है तो छत्तीस लीटर क्या है पानी है अब हमने क्या किया अठारह लीटर पानी और मिला दिया तो रेशियो कितना होगा अब हमने क्या किया प्लस का अठारह लीटर इसमें वाटर मिला रहे हैं तो अब हमारा रेशियो कितना होगा दूध पहले भी तीस था तो अब भी कितना होगा दूध दूध अब भी तीस होगा और पानी पहले छत्तीस था जब हमने अठारह और मिला दिया तो अब य, अब ये कितना हो जाएगा अब ये हमारा हो गया चौवन हो गया अब हम इसे छः से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा पाँच बार में ये कितने बार में जाएगा बार no में यानी हमारा जो रेशियो निकल के आ गया रेशियो कितना निकल के आ गया फाइव इज टू नाइन चलिए इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बनाते हैं हमारा सेकंड मेथड देखिए देखिए हमारा रेशियो कितना दिया हुआ था पहले जो हमारा रेशियो दिया हुआ था पहले जो हमारा रेशियो था रेशियो कितना था फाइव इज टू सिक्स था रेशियो कितना था फाइव इज टू सिक्स था यानी हम इसे अगर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो मिक्सचर होगा मिक्सचर के अंदर टोटल मात्रा कितना होगा ग्यारह यूनिट ग्यारह यूनिट किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था छियासठ लीटर के बराबर यानी छियासठ लीटर टोटल हमारा मिक्सचर था यहां से एक यूनिट किसके बराबर निकल जाएगा सिक्स लीटर के बराबर एक यूनिट किसके बराबर निकल क्या क्या 6 के आ गया सिक्स लीटर के बराबर हम मिक्सचर में क्या कर रहे थे मिक्सचर में अठारह लीटर पानी मिला रहे थे

तो पानी के मात्रा में कितना होगा तीन यूनिट का वृद्धि हो जाएगा तो अब जो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा अब हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा दूध पहले भी पांच यूनिट था दूध अब भी कितना रहा पांच यूनिट रहा लेकिन पानी जो है पहले छ यूनिट था अब कितना बढ़ जाएगा तीन यूनिट से बढ़ के ये कितना हो गया नौ यूनिट हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया फाइव इज टू नाइन निकल के आ गया चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि छियासठ लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात फाइव इंस टू सिक्स है इसमें अठारह लीटर पानी मिला दिया जाए तो अब अनुपात क्या होगा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि छियासठ लीटर मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी है जिसका रेशियो कितना है फाइव इंस टू सिक्स है अगर इस मिक्सचर में हम अठारह लीटर पानी मिला देते हैं तो अब हमारा अनुपात क्या होगा यानी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा देखिए पहले जो दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था फाइव इज टू सिक्स दिया हुआ था हमने मान लिया कि दूध कितना है पाँच यूनिट है और पानी कितना है छः यूनिट है यानी टोटल मिक्सचर कितना होगा ग्यारह यूनिट लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है टोटल जो मिश्रण है वो कितना है छियासठ लीटर है यानी इस ग्यारह यूनिट का वैल्यू क्या है छियासठ लीटर है यानी एक यूनिट किसके बराबर आ गया सिक्स सिक्स लीटर के बराबर यानी यहाँ से हमारा पाँच यूनिट निकल के आ जाएगा पाँच यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 30 लीटर के बराबर और 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 36 लीटर के बराबर यानी अब हमें मिक्सचर में ये पता चल गया कि 30 लीटर जो है दूध है और 36 लीटर क्या है पानी है अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अट्ठारह लीटर अगर हम मिक्सचर में पानी मिला दे रहे हैं तो अब हमारा रेशियो क्या होगा दूध तीस लीटर पहले भी था दूध तीस लीटर अब भी है पानी कितना था पहले छत्तीस लीटर अब हमने क्या किया अट्ठारह लीटर पानी और मिला दिया यानी अब कितना हो जाएगा तीस लीटर दूध हो जाएगा और अट्ठारह चौवन लीटर क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा हम इसे छः से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा पाँच बार में ये कितने बार में जाएगा नौ बार में यानी अब हमारा जो रेशियो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया फाइव एस टू नाइन निकल किया गया देखिए इसका एक सेकंड मेथड हमने बताया था सेकंड मेथड क्या है पहले हमारा रेशियो कितना दिया हुआ था फाइव एस टू सिक्स दिया हुआ था हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ग्यारह यूनिट यानी टोटल मिश्रण हमारा कितना है ग्यारह यूनिट है लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल हमारा जो मिश्रण है वो क्या है छियासठ लीटर है यानी इस ग्यारह का वैल्यू क्या है छियासठ लीटर है तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा लीटर के बराबर तो यहां से तीन यूनिट किसके बराबर हो जाएगा अठारह लीटर के बराबर यानी हमें, हमें क्वेश्चन में यह दे रहा था कि हम क्या कर रहे हैं कि अट्ठारह लीटर पानी मिला रहे हैं एक यूनिट हमारा छ लीटर के बराबर निकल के आ रहा है तो हम अठारह लीटर अगर पानी मिला रहे हैं तो है, यानी अगर हम इस साइड तीन से गुना करेंगे तो इस साइड भी क्या होगा तीन से गुना होगा यानी हमें यह पता चल गया कि जो हम अठारह लीटर पानी मिला रहे थे उस पानी मिलाने की वजह से पानी की मात्रा में क्या होगा तीन यूनिट का वृद्धि होगा यानी पहले अगर दूध पांच यूनिट था और पानी कितना था छः यूनिट तो अब क्या होगा दूध तो पांच यूनिट ही रहेगा लेकिन पानी तीन यूनिट से बढ़ जाएगा यानी छो से कितना हो गया नौ यानी अब हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया फाइव इज टू नाइन निकल किया गया चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया कि 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात फोर इंस टू फाइव है इसमें 15 लीटर दूध और 20 लीटर पानी मिला दिया गया तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जो हमारा मिक्सचर टोटल दिया हुआ है वो कितना है पैंतालीस लीटर है और उस मिक्सचर का हमें क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है हमें उस मिक्सचर का रेशियो दिया हुआ है मिल्क इज टू वाटर का हमें रेशियो दिया हुआ है ये हमारा रेशियो कितना है फोर इज टू फाइव है यानी अगर मिक्सर के अंदर चार यूनिट चार यूनिट जो दूध है तो पानी कितना है पाँच यूनिट है यानी हम इसे ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा टोटल जो हो जाएगा हमारा नौ यूनिट लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर का मात्रा कितना दिया हुआ है पैंतालीस लीटर यानी नौ यूनिट किसके बराबर हो जाएगा पैंतालीस लीटर के बराबर तो यहा यहां से हमारा एक यूनिट निकल के आ जाएगा एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा पांच लीटर के बराबर एक यूनिट किसके बराबर हो गया पांच लीटर के बराबर अब हम क्या कर रहे हैं मिक्सचर के अंदर पंद्रह लीटर दूध और बीस लीटर पानी मिला रहे हैं तो अगर हम यह निकाल लें कि पंद्रह लीटर दूध मिलाने से दूध की मात्रा में कितना यूनिट का वृद्धि होगा और बीस लीटर पानी मिलाने से पानी की मात्रा में कितना यूनिट का वृद्धि होगा तो हम रेशियो बता पाएंगे यानी ये जो हमारा पांच लीटर किसके बराबर है पांच लीटर जो है एक यूनिट के बराबर है पांच लीटर एक यूनिट के बराबर है तो हमारा यहां से यह निकल के आ जाएगा कि अगर पंद्रह लीटर हम मिलाएंगे दूध तो यह कितने यूनिट बढ़ेगा पंद्रह यूनिट हम इस साइड क्या कर रहे हैं तीन से गुना तो इस साइड भी हमें तीन से गुना करना पड़ेगा यानी तीन यूनिट हो जाएगा अगर हम पानी में पानी में अगर हम बीस लीटर मिला दें पानी में अगर हम बीस लीटर मिला दें तो कितना यूनिट का वृद्धि हो जाएगा अगर हम इस साइड चार से गुना करेंगे तो इस साइड भी हमें चार से गुना करना पड़ेगा यानी अगर हम पानी बीस लीटर मिलाएंगे तो पानी के मात्रा में चार यूनिट का वृद्धि होगा अगर हम दूध पंद्रह लीटर मिलाएंगे तो दूध की मात्रा में कितना तीन यूनिट का वृद्धि होगा तो अब जो हमारा रेशियो हो जाएगा अब जो हमारा रेशियो हो जाएगा अब हमारा जो रेशियो हो जाएगा मिल्क इज टू वाटर का अब जो हमारा रेशियो होगा पहले कितना था फोर इज टू फाइव था यानी पहले चार यूनिट दूध था पांच यूनिट क्या था पानी था जब हमने पंद्रह लीटर दूध मिला दिया तो दूध की मात्रा में कितना का वृद्धि होगा तीन यूनिट का यानी चार से तीन बढ़ के कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सात यूनिट और पानी में कितना का वृद्धि होगा चार यूनिट का पहले पानी पांच यूनिट था तो चार यूनिट से बढ़ के कितना हो जाएगा नौ यूनिट यानी अब हमारा रेशियो कितना निकल के आएगा सेवन इज टू नाइन हमारा आंसर कितना निकल के आएगा सेवन इज टू नाइन चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात फोर इंस टू फाइव है इसमें 15 लीटर दूध और 20 लीटर पानी मिला दिया गया तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा हमें जो है टोटल मिक्सचर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पैंतालीस लीटर का है और उस मिक्सचर के अंदर दूध और पानी का हमें रेशियो दिया हुआ है रेशियो कितना दिया है फोर यानी हम यहाँ से ये निकाल पाएंगे दूध और पानी का जो हमारा हम ये मान लेंगे कि हमारा जो दूध है दूध कितना है फोर यूनिट है और पानी कितना है पाँच यूनिट यानी टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा नौ यूनिट यानी नौ यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है पैंतालीस लीटर है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा पाँच लीटर हम इस क्वेश्चन को यहाँ से ये भी निकाल लेते कि दूध कितना लीटर है और पानी कितना लीटर है यानी एक यूनिट का वैल्यू हमारा पाँच लीटर निकल के आ गया यानी अब हम दूध निकाल लेते कि बीस लीटर होगा और हम इसमें पाँच यूनिट पाँच यूनिट से गुणा करते एक यूनिट पाँच लीटर के बराबर है यानी दूध कितना हो जाता दूध हमारा बीस लीटर और पानी कितना हो जाता पच्चीस लीटर फिर उसके बाद हम उसमें बीस लीटर में पंद्रह लीटर ऐड कर देते और उस पच्चीस में हम बीस ऐड कर देते वहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ जाता लेकिन हमें इसमें दूध हमसे रेशियो ही पूछ रहा है ना तो हमें दूध का मात्रा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि नौ यूनिट किसके बराबर है पैंतालीस लीटर के बराबर यानी एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा पंद्रह लीटर के यानी दूध डाल रहे हैं तो दूध की मात्रा में कितना यूनिट का वृद्धि होगा पांच लीटर एक यूनिट के बराबर है तो पंद्रह लीटर किसके बराबर हो जाएगा तीन यूनिट के बराबर और पानी की मात्रा में हम कितना का वृद्धि कर रहे हैं बीस लीटर का यानी पाँच लीटर एक यूनिट के बराबर है तो बीस लीटर किसके बराबर हो जाएगा चार यूनिट के बराबर यानी हमें यह पता चल गया कि पहले जो हमारा रेशियो था फोर इज टू फाइव था जब हम उसमें पानी मिला दूध मिला रहे हैं पंद्रह लीटर तो क्या हो रहा है कि चार से बढ़ के कितना हो गया हमारा रेशियो तीन का वृद्धि हो जाएगा कितना हो जाएगा सात हो जाएगा और पहले हमारा मिक्सचर के अंदर पाँच यूनिट जो पानी था तो बीस लीटर पानी मिला रहे हैं तो कितना बढ़ जा रहा है चार यूनिट से बढ़ जा रहा है यानी पहले पांच यूनिट था अब कितना हो गया नौ यूनिट हाँ यानी हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया सेवन इज टू नाइन हमारा आंसर क्या है सेवन इज नाइन है चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात थ्री इज टू एट है इसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात फाइव इज टू फोर हो गया फिर सत्ताईस लीटर पानी मिलाया तो अनुपात फोर इज टू फाइव हो गया तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें देखिए हाँ, हमें क्या निकालना है दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालना है हमें जो बर्तन दिया गया है हमें जो बर्तन दिया गया है इसमें क्या है मिल्क और वाटर का रेशियो है इस बर्तन में मिल्क और वाटर का हमें रेशियो दिया हुआ है हमारा रेशियो कितना है रेशियो जो है वो थ्री इज टू एट है रेशियो कितना है थ्री इज टू एट है उसके बाद हमने क्या किया इसमें कुछ दूध मिलाया हमने कुछ दूध मिलाया हमें दूध का मात्रा नहीं पता है जब हमने इसमें कुछ दूध मिलाया तो हमारा रेशियो कितना हो गया फाइव इज टू फाइव इज टू कितना हो गया फोर हो गया उसके बाद हम क्या कर रहे हैं उसके बाद हम इस मिक्सचर में सत्ताईस लीटर पानी मिला रहे हैं तो हमारा रेशियो कितना हो गया फोर इज टू फाइव हो गया उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सत्ताईस लीटर पानी मिला रहे हैं तो फोर इज टू फाइव हो गया देखिए यहां का मात्रा तो हमें नहीं पता है कि हम कितना दूध मिला रहे हैं लेकिन नीचे हमें पता है कि हम इसमें कितना सत्ताईस लीटर पानी मिला रहे हैं सत्ताईस लीटर पानी मिला रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे जो हमारा दूध है दूध कितना है पाँच यूनिट है और पानी कितना है चार यूनिट जब हम सत्ताईस लीटर पानी मिला रहे हैं तो दूध कितना हो गया चार यूनिट और पानी कितना हो गया पाँच यूनिट देखिए हम इसमें क्या मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं दूध जितना था उतना ही होना चाहिए यानी अगर यहाँ पाँच यूनिट है और यहाँ चार यूनिट हमें इसे बराबर करना पड़ेगा हम बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं ऊपर वाले रेशियो में चार से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा बीस यूनिट और नीचे वाले रेशियो में पाँच से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा बीस यूनिट यानी हम यहाँ दूध का मात्रा बराबर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बीस यूनिट हम चार से गुणा करेंगे बीस यूनिट और यहाँ चार से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सोलह उसके बाद यहाँ चार पाँच से गुणा करेंगे ये हमारा हो गया बीस यूनिट और ये कितना हो जाएगा पच्चीस यूनिट पांच में पांच से गुना करेंगे कितना हो जाएगा पच्चीस में, में क्या दिया हुआ है पानी हम कितना बढ़ा रहे हैं सत्ताईस लीटर बढ़ा रहे हैं यानी नौ यूनिट यहां से हमारा ये निकल आ जाएगा कि नौ यूनिट किसके बराबर है सत्ताईस लीटर के बराबर नौ यूनिट किसके बराबर सत्ताईस लीटर तो एक यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा एक यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया तीन लीटर एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा तीन लीटर हमें क्या निकालना था प्रारंभिक दूध की मात्रा यानी यहां जो दूध है उसकी मात्रा हमें निकालना है देखिए यहां हम क्या मिला रहे थे यहां जो हम मिला रहे थे दूध मिला रहे थे यहां क्या मिला रहे थे दूध मिला रहे थे तो पानी जितना था उतना ही होना चाहिए यानी हमारा पानी यहां कितना है सोलह यूनिट है पानी कितना है सोलह यूनिट तो हम यहां क्या करेंगे इसे सोलह यूनिट बनाएंगे हम इसे सोलह यूनिट बनाने के लिए हम इस पहले वाले रेशियो में क्या करेंगे दो से गुना करेंगे यानी हमारा कितना हो जाएगा सिक्स इज टू सोलह हो जाएगा यानी यहाँ जो है दूध हमारा कितना है 6 यूनिट है पानी कितना है सोलह यूनिट उसके बाद हमने क्या, क्या किया था कुछ इसमें दूध मिलाया था तो हमारा क्या हो गया रेशियो बीस इज टू सोलह यानी बीस यूनिट दूध हो गया था और पानी कितना हो गया सोलह यूनिट पानी सोलह यूनिट था सोलह यूनिट हो गया उसके बाद हमने क्या किया इसमें कुछ पानी मिलाया यानी बीस यूनिट दूध था तो बीस यूनिट है अभी भी और पानी कितना हो गया सोलह यूनिट था तो कितना बढ़ के हो गया सत्ताईस यूनिट यानी शुरुआत में हमें ये पता चला कि शुरुआत में जो हमारा दूध है दूध कितना है छः यूनिट है शुरुआत में दूध कितना है छः यूनिट है और एक यूनिट का हमें वैल्यू पता है कि तीन लीटर है तो यहाँ से हम छः यूनिट का वैल्यू बता पाएंगे यानी छः यूनिट किसके बराबर हो जाएगा अट्ठारह लीटर के बराबर यानी शुरुआत में दूध का मात्रा कितना होगा अठारह लीटर होगा चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात थ्री इंस टू एट है इसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात फाइव इंस टू फोर हो गया फिर सत्ताईस लीटर पानी मिलाया तो अनुपात फोर टू फाइव हो गया तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें हमें क्या निकालना था दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालना था एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का हमें रेशियो दिया हुआ था रेशियो कितना था थ्री इज टू एट था इस थ्री इज टू एट रेशियो में हम क्या कर रहे थे कुछ दूध मिला रहे थे हमें दूध का मात्रा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था कि हम कितना दूध मिला रहे थे हम कुछ दूध मिला रहे थे हमारा रेशियो कितना हो जा, था? था? था। हो जा रहा था फाइव इज टू फोर हो जा रहा था रेशियो कितना हो जा रहा था फाइव इज टू फोर हो जा रहा था उसके बाद हम क्या कर रहे थे सत्ताईस लीटर पानी मिला रहे थे जब हमारा रेशियो फाइव इज टू फोर था उसके बाद हम क्या कर रहे थे सत्ताईस लीटर पानी मिला रहे थे उसके बाद हमारा रेशियो कितना हो गया फोर इज टू फाइव हो गया देखिए यहाँ हमारा जो दूध होगा दूध कितना है पाँच यूनिट और पानी कितना है चार यूनिट पानी कितना है चार यूनिट उसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसमें सत्ताईस लीटर पानी मिला रहे हैं यानी दूध हमारा जितना था उतना ही होना चाहिए यानी दूध यहाँ अगर पाँच यूनिट है तो यहाँ भी हमारा पाँच यूनिट होना चाहिए हम इसे बराबर करेंगे हम इसे बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं ऊपर वाले रेशियो में हम चार से गुना और नीचे वाले रेशियो में हम पाँच से गुना कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा दूध का मात्रा यानी दूध का मात्रा कितना हो गया बीस यूनिट और पानी कितना हो गया सोलह यूनिट जब हम इसमें सत्ताईस लीटर पानी मिला रहे हैं तो दूध हमारा बीस यूनिट था तो बीस यूनिट ही रहेगा यानी बीस यूनिट है और पानी कितना हो गया पानी जो हो गया पच्चीस यूनिट हो गया यानी पानी कितना से बढ़ा सोलह यूनिट से बढ़ के कितना हो गया पच्चीस यूनिट यानी कितना बढ़ा नौ यूनिट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हम पानी कितना बढ़ा रहे हैं सत्ताईस लीटर यानी नौ यूनिट किसके बराबर हो जाएगा सत्ताईस लीटर के बराबर यानी एक यूनिट का हमारा निकल के आ जाएगा कितना तीन लीटर हमें क्या निकालना था कि शुरुआत में दूध कितना था शुरुआत में दूध का मात्रा कितना था हमें निकालना था देखिए पानी जो हमारा है यहाँ कितना है सोलह सोलह यूनिट है हम शुरुआत में क्या कर रहे थे हमारा दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ था तो हम क्या कर रहे थे शुरुआत में इसमें दूध मिला रहे थे हम दूध का कुछ मात्रा मिला रहे थे तो पानी जो हमारा था वो बराबर होना चाहिए पानी यहाँ कितना है सोलह यूनिट तो यहाँ भी हमारा ऊपर कितना होना चाहिए सोलह यूनिट होना चाहिए हम इसे सोलह बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें दो से गुना करेंगे यानी सबसे पहले वाले रेशियो में हम दो से गुना करेंगे यानी यहाँ क्या निकल के आ गया कि दूध छः यूनिट है पानी कितना है सोलह यूनिट जब हम इसमें कुछ दूध मिला रहे थे तो क्या हो जा रहा था बीस यूनिट और पानी कितना सोलह यूनिट यानी यहाँ से हमारा दूध का ये पता चल गया कि दूध का मात्रा कितना है छः यूनिट एक यूनिट का वैल्यू हमें पता है कि तीन लीटर है तो छह यूनिट का वैल्यू हम यहां से निकाल पाएंगे छह यूनिट किसके बराबर हो गया अट्ठारह लीटर के बराबर हमारा आंसर क्या निकल के आ गया अट्ठारह लीटर चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए बाय बाय